अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मंगलवार 8 मार्च को मंगलधाम सोसाइटी के 400 परिवारों की महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। पीएस नागपुर की पूर्व अध्यक्ष प्रमिला पवार और मुख्य अतिथि महिला पुलिस कांस्टेबल नीता आकोटकर, पूर्व पुलिस उप निरीक्षक वसंतराव गोडे और पत्रकार अरुण कराले मौजूद थे। शिक्षक प्रज्ञा कमरकर ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत एक स्वरचित गीत नारी तू घे ऊंचा भरारी पहत राहिल दुनिया तू याकड़े के साथ की। गायिका लता मंगेशकर, अनाथ माई सिंधुताई सपकाल को श्रद्धांजलि दी। नारी शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता, स्त्री शिक्षण, गीत गायन, नृत्य, एकांकिका जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं ने महिलाओं के उत्थान के ग्राफ पर चढ़ने का संदेश दिया। सबसे पहले गणमान्य लोगों ने क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा की पूजा की। ममता चौधरी ने प्रतिभा पाटिल की भूमिका निभाई। पायल तिनखेड़े ने सिंधुताई सपकाल की भूमिका निभाई। प्रियंका कड़वे ने अहिल्याबाई होलकर की भूमिका निभाई। प्रियंका अटकरी ने आनंदीबाई जोशी की भूमिका निभाई। सोनाली गोडे ने सावित्रीबाई फूले की भूमिका निभाई और शारदा काकड़कर ने राजमाता जीजाऊ की भूमिका निभाई। इस दौरान प्रज्ञा चौधरी, कल्पना ठाकरे, भावना गेरवार, रेखा वड़स्कर, प्रेमलता बावनकुले, कोकिला काले, पिंकी कुहिके, सपना गोमासे, नीता ठाकरे, दीपिका बावनकुले, सोनू धोटे, जयश्री धावले, हर्ष बंसो, शीला गोडे, वंदना गोडे, नंदा कथवाटे, ललिता अकोटकर, कुंडा बोंडरे, पुष्पा गायकवाड़, सुकीर्ति तुराहा, स्नेहा गोडे, रोहिणी गोडे, सरिता बंसोड़ ने स्त्रीत्व पर आधारित नाटकों, एकल नृत्यों और समूह नृत्यों का प्रदर्शन कर दर्शकों का दिल जीता। पूजा पांजा ने आज की नारी विषय पर गीत प्रस्तुत किया। प्रज्ञा चौधरी द्वारा परिचयात्मक की गई और वसंतराव गोडे द्वारा धन्यवाद दिया गया। इस दौरान मंगलधाम सोसाइटी के पुरुष और महिलाएं मौजूद थीं। वाड़ी से NBCN न्यूज़ के लिए सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।